होली पर इस साल शुक्र और मंगल की युति बनने जा रही है, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस महालक्ष्मी राजयोग बनने से कुछ राशियों के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ और तरक्की के योग भी बन रहे हैं। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार वैदिक ज्योतिष में बताया गया कि कभी कभी होली एवं दीपावली पर कुछ ऐसे शुभ संयोग बनते हैं जिससे व्यक्ति को धन लाभ और तरक्की के योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह लकी राशियां। इस बार जो होली की पूर्णिमा जो तिथि है उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ 10 साल बाद महालक्ष्मी योग भी बनने जा रहा है, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति हो रही है और शुक्र और मंगल की युति यहाँ होती है उसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। और महालक्ष्मी योग बनने से व्यक्ति को आर्थिक रूप से और धन का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है, कार्यों में उनको सफलता की प्राप्ति होने जा रही है। तो शुक्र मंगल की इस युति के कारण जो महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है वह किन राशियों को लाभ देने जा रहा है, उनमें सर्वप्रथम राशि है तुला राशि। इस तुला राशि के लिए यह महालक्ष्मी योग लाभकारी है। शुभ समाचार इनको प्राप्त होगा होली के अवसर पर, कारोबार में वृद्धि होगी इनके, और यदि किसी प्रकार के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो वह दिक्कत दूर होगी और समय समय पर आकस्मिक धन की इनको प्राप्ति होने जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह महालक्ष्मी योग जो है वह लाभ देने जा रहा है, चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है, जिसके कारण भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, भवन की, वाहन की, अन्य प्रकार की जो ऐश्वर्य हैं उन ऐश्वर्य के साधनों की वृद्धि होने जा रही है। और यदि शेयर बाजार में धन लगा हुआ है तो शेयर बाजार में भी इनको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। जो व्यक्ति वृश्चिक राशि की नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन हो सकता है या उनके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको भी महालक्ष्मी योग का लाभ हो रहा है। उनके व्यक्तित्व में निखार होगा, उनके कार्यों में सफलता प्राप्ति होगी। यदि वह पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी उनको लाभ की प्राप्ति होगी। जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का संकट है उनका संकट दूर होगा। और यदि व्यक्ति अविवाहित है तो ऐसे कुंभ राशि के जातकों को विवाह के प्रस्ताव भी प्राप्त होगा।